इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे मृत्यु का सामना न करना पड़े। जो इस संसार में आया है उसे एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद दुनिया से अवश्य जाना पड़ता है। मृत्यु को रोक नहीं सकते, परंतु अपने कर्मों से इसे सवार अवश्य सकते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि हे पक्षीराज, व्यक्ति अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पुण्य जीवात्माओं को कौन लेने आता है और जैसा व्यवहार पापी जीवात्मा के साथ होता है, क्या वैसा ही व्यवहार पुण्यात्मा के साथ भी होता है? और पुण्यात्मा व्यक्ति के प्राण किस प्रकार छूटते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। अत्यंत भयंकर नरकों और पापी जीवात्माओं की गति के बारे में ज्ञान लेने के बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, आपके मुख से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उससे मैं अति धन्य हूँ। हे प्रभु, अब मैं पुण्य आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके साथ क्या होता है और किस प्रकार उन्हें यमलोक ले जाया जाता है? फिर श्री हरि बोले कि हे कश्यप पुत्र गरुड़, अभी तक मैंने तुम्हें पापी जीवात्माओं को मिलने वाले अत्यंत भयंकर नरकों और उनकी यातनाओं के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें पुण्य आत्माओं और उन्हें प्राप्त होने वाले स्वर्ग के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छा आचरण एवं अच्छे कर्म करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हुए भक्ति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा अपने मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दुखी नहीं करते, अपितु उनकी सहायता करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, ऐसे मनुष्यों को पुण्यात्मा कहा जाता है। ऐसे मनुष्य दान पुण्य करने तथा धर्म कार्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। सदैव ही इनके मन में सभी प्रकार के जीवों के प्रति दया भाव रहता है। भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कुओं बावड़ियों तथा नदियों की रक्षा करना, बाग तथा उपवन लगवाना, साधु संतों की रक्षा करना, गरीब तथा असहायों की रक्षा करना, मानव धर्म की रक्षा करना, धार्मिक कथाओं का प्रचार प्रसार करना, बच्चों व स्त्रियों का सम्मान करना, माता पिता तथा गुरु की आज्ञा का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना तथा गलत पथ पर चलने वाले मनुष्यों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना इत्यादि पुण्य कार्य ये करते रहते हैं और अपना संपूर्ण जीवन प्रसन्नता से व्यतीत करते हैं। हे गरुड़, जब इस प्रकार के मनुष्य का जीवन पूरा होता है और उसकी मृत्यु का समय निकट आता है तो उसकी आत्मा अपने आप ही ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल आती है। यमदूत उसको डराते नहीं है, बल्कि यमदूत उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं और उस पुण्य आत्मा को अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं। वास्तव में उस समय वह यमदूत भगवान के दूत अर्थात देवों के स्वरूप में आ जाते हैं। इस प्रकार यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य करते हुए प्रसन्न चित्त होकर गंधर्वों के साथ सुंदर हार पहनकर नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सजे और चमचमाते हुए विमान में सवार होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। स्वर्ग लोक में अत्यंत सुंदर मनमोहक अप्सराएं फूल मालाओं से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हैं।
स्वर्ग में पहुंचकर भी अत्यंत ही शुभ फलों का भोग भोगते हैं। वहां वह सुख और ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं। उनकी सेवा के लिए अनेकों देवदूत तथा अप्सराएं सदैव वहां तत्पर रहती हैं। इस प्रकार जब तक उनके पुण्यों की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वे स्वर्ग लोक का वैभव भोगते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर आते हैं, तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। हे गरुड़, मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु होना निश्चित है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, अग्नि तत्व में अग्नि, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्रमा में जाकर विलीन हो जाता है। हे पक्षीराज, शरीर में काम, क्रोध एवं पांच इंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं, तथा इन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है। जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है, जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण ले लेता है, उसी प्रकार पांच इंद्रियों से युक्त जीव इंद्रिय अधिष्ठात्री देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि सात धातुओं से युक्त यह षटकोषिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंच वायु, मलमूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे ताक्षर्य, यह चक्र तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक कि वह जीवात्मा दिव्य पुण्यात्मा बनकर परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाती। मोक्ष प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है। अगर मनुष्य नित्य परमात्मा का भजन, कीर्तन व जप करे, तो प्रतिदिन वह परमात्मा के निकट आता जाता है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।